तुम्हारा बेटा उसके हाथ नहीं लगे ना। अली, जब तुम और काम लेने के लिए ना धोखे से मेरी बेटी से शादी, सोचा भी नहीं जा सकता उसे आगे बढ़ाने का, की फिक्र में भागे भागे चलेगा रिश्ता चांद और सूरज जैसा। अलमास बेगम के सामने जाते ही अली अपनी सिस्टर का मौत एक हादसा समझकर दरगुजर करने का और उसमें अलमास बेगम का कोई कसूर जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अब इंतकाम का तरीक़ा कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि अली के पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि उसकी सिस्टर का कत्ल हुआ है। मजीद भी अली अलमास बेगम के साथ मिलना जुलना बरकरार रखेगा, जिसके वजह से सुम्बुल का अली के साथ मोहब्बत मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेगी और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अली उसके साथ शादी करके अपनी बहन का इंतकाम लेने का